देखिए अरविंद केजरीवाल कितना दर्द में आज उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि राहुल गांधी ने ठुकरा दिया है। इस बयान में ही अरविंद केजरीवाल जी के आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति बेशर्मी की किस हद तक है, अधर्मिता के किस हद पे हैं, अनैतिकता के किस हद पे हैं, और जो आर्थिक भ्रष्टाचार इनका आया ही है, मानसिक भ्रष्टाचार किस स्तर पे है, ये सब कुछ दिख रहा है। मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने साढ़े चार साल के कार्यों के बाद हम ध्वस्त हो चुके हैं, हमने जितने भी दिल्ली के साथ पाप किए उसका फल हमें मिल गया है। तब जा कर के उनको 67 सीट पाने वाला पार्टी, एक भी ना सीट पाने वाले व्यक्ति पार्टी के चरणों में घुसा हुआ है, उसका अर्थ समझ लीजिए। लेकिन ये भी कह रहे हैं वो कि कांग्रेस जो है वो इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि पंजाब में हरियाणा में भी वो जो है गठबंधन चाहते हैं आम आदमी पार्टी, जब दिल्ली की बात होती है तो वो बाकी स्टेट पे भी आ जाते हैं। अब ये तो क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं हमको नहीं पता, लेकिन मैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का वो शपथ, वो प्रतिज्ञा मुझे याद है कि बच्चों की कसम खाता हूँ मैं किसी भी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, भगवान उनके बच्चों को इसकी सजा मत देना। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम है और हराना चाहती है। अब देखो जिसमें घुसना चाहते थे और घुस चुके थे, 49 दिन की सरकार किसके साथ बनी थी। इस समय अरविंद केजरीवाल मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनकी चर्चा मत करें। हमारा एक सर एक सवाल लास्ट है, सपना चौधरी से कल आप मिले, निरहुआ को आप ज्वाइन कराते हैं, रवि किशन को आप ज्वाइन कराते हैं, सभी रीजनल जो सेलिब्रिटी हैं उनको आपको लाने की जिम्मेदारी है पार्टी में, और कौन कौन आना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि रीजनल आर्टिस्टों के पीछे लोगों का बहुत जोर होता है, अगर वो आते हैं वो सब चुनाव लड़ेंगे जिनको आप ला रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ 2019 की हर खबर, हर चुनावी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए।